विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नागपुर महानगर कार्यकर्ताओं द्वारा आज मंदिरों का स्वच्छता अभियान का आरंभ गणेश टेकरी मंदिर सीतापट्टी से किया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इससे पहले देश में उस दिन उत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री ने 14 जनवरी मकर संक्रांति को मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान किया है। इसको लेकर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त विद्यमान से शहर के सुप्रसिद्ध गणेश टेकरी मंदिर में स्वच्छता अभियान का आरंभ हुआ है। 22 तारीख तक शहर के बाकी मंदिरों में स्वच्छता की जाएगी, ऐसी जानकारी पदाधिकारियों द्वारा दी गई है। मैं ऋषभ अर्खेल, बजरंग दल विदर्भ प्रांत सुरक्षा प्रमुख का दायित्व है। आज हम इस गणेश टेकड़ी परिसर में स्वच्छता अभियान चलाने वाले हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा, जो कि हम सभी जानते हैं कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम भव्य बड़े उत्साह के साथ हो रहा है। उसी प्रकार 16 तारीख से वहाँ पर जो अनुष्ठान शुरू हुआ है प्राण प्रतिष्ठान के निमित्त, तो उसके लिए पूरे देश भर में जितने भी मंदिर है उन सभी में यह आह्वान हुआ है कि 22 जनवरी तक सभी मंदिर परिसर और मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाए, जिसके मद्देनज़र हमने नागपुर महानगर में आज गणेश टेकड़ी परिसर से यह स्वच्छता अभियान शुरू किया है। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता नागपुर शहर के जितने भी मंदिर है वहाँ अपने अपने स्तरों पर अपने अपने वहाँ के बस्ती स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ में स्वच्छता अभियान चलाने वाले हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।